तो हमारे साथ मौजूद है आज के इवेंट के 42 किलोमीटर फुल मैराथन के एलीट विनर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही मौजूद हैं, इनसे सीधे मुलाकात करते हैं। सर आज आप विनर हुए, क्या महसूस हो रहा है, किस तरह से आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पहले भी आप हसे विरार महानगर पालिका मैराथन दौड़े हैं? हाँ सर। उसमें क्या आपका रैंक था? फर्स्ट ही था। आपने ही आपका रिकॉर्ड तोड़ा है? हाँ सर। पिछला टाइम क्या था और आज का टाइमिंग आपका क्या है? आज 1 आवर 2 आवर 18 मिनट। पिछला क्या था? 2 आवर 24 मिनट। यानी कि 6 मिनट पहले आपने कवर किया है। हाँ। कैसा यहाँ आके महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। और क्या कहना चाहेंगे पूरे इस मैनेजमेंट को? थैंक यू। आपका और इनका फासला कितना था? 2 मिनट। टू मिनट में आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रही या ये कहाँ आपसे आगे निकले? थोड़ा सा फिनिशिंग टाइम पे थोड़ी टर्निंग हुई है, वहाँ पे थोड़ा लीड करी है, बाकी गुड। कितने साल से आप यहाँ पे लड़ चुके हो? या मैं 2014 में हाफ मैराथन कर चुका हूँ, मैं उसमें भी रनर अप रहा हूँ, मैं आज भी रनर अप। और स्पेशली विरार वासियों को सबको थैंक, उनके सपोर्ट के लिए, चेयर अप के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए सबको थैंक। आपका और इनका कितना अंतर रहा? कुछ सेकंडों का अंतर। कुछ सेकंड के अंतर में आप दूसरे से तीसरे पायदान पर रहे जी। तो क्या अगली बार यही अगर आपके साथ में रहेंगे तो इनको आप हराना चाहेंगे? बिल्कुल सर, गेम में तो होगा ही, हराना चाहेंगे पक्का, हराना चाहूंगा। आप तीनों सभी एक ही जगह से, एक ही टीम से आते हैं जी, तो क्या कहेंगे? आपके जो कोच है सभी के एक ही कोच है? हाँ एक ही कोच है सर, हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कोच। इस समय फोन पे बात करूँ जी, आपके तीनों के तीनों शिष्य फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, ये कैसे अनुभूति है? अनुभूति अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसके लिए तैयारी किया था हमने। एक्चुअली ये वाला जो है रेस है, इसके लिए परफेक्टली प्लान करके नहीं आया, इस वजह से जो हमने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट 2 आवर 16 मिनट 17 मिनट का टाइम टारगेट करके आया था हमने यहाँ पर, वो नहीं हो पाया। जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन के लिए एक ट्रायल रन का तरफ से आया था, इसमें सभी ने अपना अपना पर्सनल बेस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिए महसूस हो रहा है, बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट है। आपने यहाँ पर, आप भी एक समय में यहाँ पर विजेता रह चुके हैं और आपके ही शिष्य ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा, तो आपको गर्व महसूस हो रहा है कि पछतावा हो रहा है? नहीं, इसमें पछतावा तो कभी नहीं हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर यहाँ तो जो है नेशनल, यहाँ का रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था, जो मेरा टाइमिंग है उस टाइमिंग को इसने ब्रेक किया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लास्ट ईयर जो है सेम कंडीशन में हम इलाहाबाद में गए थे, इलाहाबाद में मैं चैम्पियन रहा, इलाहाबाद में मैं चैम्पियन रहा, उसी रूट पे मेरा लड़का मेरे से अच्छा बेहतर टाइम करके चैम्पियन था, बहुत अच्छा फील हुआ। दैट मीन्स जो जिस समय में मैंने जो कर रहा था वो कमियों को दूर करके मेरा एथलेट से मैं अच्छा करना चाहता हूँ, दैट मीन्स वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा लगा। को प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, उसके बाद आपको भी महानगर पालिका की तरफ से 51,000 का पुरस्कार दिया गया, उसके बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा जो है कोच को सम्मान दिया गया यहाँ पर, एंटायरली डिफरेंट है वो, अच्छा लगा। बट जो एथलीट्स का जो प्राइज मनी वगैरह जो दिया गया उसके लिए इन लोग हकदार हैं, वो उतना मेहनत करते हैं, इनका इतना खर्चा होता है, रोज़ इन लोग अपना माँ बाप परिवार सब कुछ बच्चे सब कुछ छोड़ के तैयारी करते हैं इसी चीज़ के लिए, तो उसमें अच्छा लगा। ऐसे जो जो भी इवेंट्स वगैरह होता है उन इवेंट्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं, इनको जब प्रोत्साहित किया जाता है तो फ्यूचर में लोग और अच्छा करने के लिए उनको एक मोटिवेशन मिलता है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आज के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे अभी आज के इस विनरों से और इनके कोच से, तो कहीं ना कहीं आज वसे विरार महानगर पालिका 10वीं मैराथन यहाँ समाप्त हुए, लेकिन ये समाप्त नहीं है, फिर अगले साल के लिए आगाज है। तैयार रहिएगा अगले साल के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसे विरार से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।